हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेला फैशन वर्ल्ड। ट्रेंडी फैशन की लेटेस्ट अपडेट। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी एंड मैं अनिकेत के लिए कुछ गिफ्ट बना रही हूँ। वैसे मेरे बहुत सारे गिफ्ट जो है वो DIY ही रहते हैं। मैं जाके कुछ परचेस करने से अच्छा खुद ही बनाती हूँ, जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और उनको भी अच्छे लगते हैं। एंड ये जो फ्लावर वॉल आप देख रहे हैं वो भी मैंने घर पे बनाया है DIY में। अगर किसी को चाहिए तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कि हमें ये फ्लावर वॉल जो है वो चाहिए। आज मैं बनाने वाली हूँ मेमोरी जार टाइप। मतलब मेमोरी जार में हम जनरली लिखते हैं कि कौन सी स्वीट्स मेमोरी है हमारे लाइफ की या फिर वो पर्सन के साथ। तो आज मैं मेमोरी नहीं बोल सकती, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स जो है वो मैं उनके लिए लिखूंगी एंड वो एक जार में भर के हम मैं उनको गिफ्ट देने वाली हूँ। एंड आज के डेकोरेशन के लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ नया डेकोरेशन करती हूँ, वो भी DIY ही रहता है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है DIYs करना, तो बहुत सारा DIY ऑलरेडी मैंने कर चुकी हूँ मैं बहुत बार। लास्ट टाइम भी मैंने कनोपी टाइप में किया था। इस बार फिर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं ला सकते, तो मैंने घर पे ही लाइटनिंग जार जो रहता है ना, वो बहुत इजी में लाइटनिंग जार, बहुत ही इजी वाला है लाइटनिंग जार। आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग जार है, ये देखिए ये वाला, ये मेरे पास ऑलरेडी था जिसमें हम पानी भरते हैं, बट वो मैं यूज़ नहीं करती। और लाइटिंग लगेगा आपको, बट ऑब्वियस लाइटिंग लगेगा एंड कुछ चीज़ें जो नॉर्मल हम लोगों को लगती है वैसी वाली चीज़ें हैं इसमें। एंड बस लाइटिंग मैंने इसमें डाल दिया है। एक्चुअली इसमें बहुत सारा वर्जन भी आता है, लाइक आप उसको पेंट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कुछ चिपका सकते हैं, या फिर आप उसको गोल्डन सिल्वर स्प्रे भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप बॉटल में कौन सी भी जो कांच की बॉटल है उसमें आप रख सकते हैं। तो मेरे पास जो लाइट्स है, ये लाइटिंग जो है वो दिवाली वाला है, तो ये बड़ा है, इसकी वजह से मैंने बड़ा वाला जार लिया है। अभी इमीडिएट तो जाके बाजार में से हम लोग लेके नहीं आ सकते, मार्केट में जाके इमीडिएट कुछ होगा नहीं, तो जो घर पे है उसके ही हिसाब से मैंने बहुत सारी ट्राई किया है। तो ये वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसमें बस मैंने लाइटिंग डाल दिया है। आप देख सकते हैं लाइटिंग डाल दिया है और बस मैं उसको अभी ऑन करती हूँ। ओके, ये डाल दिया यहाँ पे। ये कुछ मेरे बने बनाए फ्लावर्स थे, जब मुझे अनवी के बाद मुझे काफ़ी टाइम था, अनवी की जब छुट्टी थी, अनवी संभालने के लिए कोई नहीं था तो मैं घर पे ही थी उस टाइम पे, तो तभी मैंने ये सारे मेरे शौक पे पूरे किए हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर दिखता है, आप देख सकते हैं। लाइट बंद करके भी मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, अभी तो फिलहाल आपके लिए ये एक है मेरा डेकोरेशन का आइडिया आज का। एंड दूसरा है जो मैं ये मेमोरी जार बनाने वाली हूँ, एक ऐसा कोई भी कांच का आप ले सकते हो। एंड इसमें मैंने बहुत ये वाले पेपर्स हैं, आप वाइट पेपर भी ले सकते हैं, कलर पेपर भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास जो अवेलेबल था उसी में से मैंने ट्राई किया है, तो ये देखिए ये वाले हैं पेपर्स। एंड ये अनवी के कुछ पेन रहते हैं, ये कुछ मार्कर है, स्केच पेन है, तो वही यूज़ किया है। एंड फिर मैंने ये देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स मैंने उनके लिए लिखे हैं, अनिकेत के लिए अच्छे अच्छे से। एंड उसको अभी हम लोग रोल करेंगे, ये देखो ऐसे रोल करेंगे, इसको टाई करेंगे एंड ये बॉटल में रख दूंगी। अब हम मेमोरी जार बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है मेमोरी जार जिसमें मैं सारे जो भी कोट्स लिखे हुए हैं अनिकेत के लिए वो इसमें रखने वाली हूँ। एंड और क्या सामान चाहिए आपको, ये मेरे पास जो लेस रहते हैं वो पड़े हुए थे। देन ये है उलन वाला थ्रेड, आप कोई भी थ्रेड छोटा सा जो अच्छा दिखे वो ले सकते हैं। एंड
अवेलेबल था तो मैंने वो यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं, ये गिफ्ट पैक करने के बाद जब आता है वो भी मैं निकाल के रखती हूँ। जैसे तो किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। वही मेरे घर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारा सब लोग कचरा बोलते हैं, बट पता नहीं कब क्या चीज़ हम लोगों को लगे। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे कोट्स लिख के रखे हैं अनिकेत के लिए। मेरा बहुत मन था, बहुत दिनों से ये चीज़ थी मेरे मन में। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बात करने से, जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, बात से जताना जो हम लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। एंड मैं भी उसी टाइप में हूँ, मुझे भी बात करके बोल के वो नहीं आता। तो लिखना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं लिखती भी हूँ। तो फीलिंग सामने वाले तक पहुँच जाए उससे अच्छी बात क्या है। और यही सारे मैंने बहुत सारे कोट्स उनके लिए लिखे हैं। आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से ही जल्दी 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 हो रहा है आज। एंड मैं क्विक उसको आप ऐसे रोल करके, ये देखो ऐसे रोल करना है एंड बस ये टाई कर लेना है। ऐसे छोटे छोटे ऑलरेडी मैंने टाई कर लिया है। बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली ये, टाई करो और अपने जार में भर दो। ये देखिए, ये मेरे सारे रोल करके हो गए हैं। ये देखो, ये सारे जो कोट्स मैंने लिखे थे अनिकेत के लिए, वो सारे मैंने इसमें रोल किए हुए हैं। अभी ये मैं डालूंगी इसमें। तो आप इसके अंदर ये भी डाल सकते हो, कौन भी बाद में डालना। ये जो रेड वाला है या फिर ऐसे जो कुछ भी है आपके अंदर जो अच्छा दिखे एंड फील हो, ऐसे कि फील भी किया हुआ है उसमें, ये भी डाल सकते हैं। एंड ये सब इसमें डाल देना है फिर बाद में। ये देखिए, ये डाल दीजिए इसमें। अच्छे अच्छे कोर्स आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में भी मिल जाता है। या फिर आपको कुछ आपके मन की बात लिखनी है वो भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए, अभी मेरा ये मेमोरी कार्ड जो है वो भर चुका है पूरा। इसमें आप आपके हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आप लाइटिंग डाल सकते हैं, लाइटिंग है। अभी तो मैं इसमें ये मोती जो है ये डालने वाली हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा अच्छा लुक के लिए। ये जो था ये मेरा एकदम इंस्टेंट वाला आइडिया है, इसीलिए इसका ही नेक्स्ट वर्जन शायद आपको अच्छा मिले देखने को। अमी को भी डालना ही रहता है, डाल दो जल्दी से। हो गया फिर आपका ये मेमोरी कार्ड। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया आपका मेमोरी कार्ड, जिसमें आपने जो भी आपके ये है लिख दिए हैं कहाँ पे मैंने, और इसको कर दिया मैंने बंद। अभी आपके हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए ऐसे, ये बन गया।
भी रिबिन मैंने लगा दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। लाइटिंग छोटी भी मिलती है, बहुत छोटी वाली जो जार में हम लोग डाल सकते हैं, तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये वाली भी अच्छी दिख रही है, इसमें भी यहाँ पे मैं अभी जार को आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप आराम से उसको गोल्डन या सिल्वर कलर में उसको पेंट करके, या फिर ये हार्ट वाले जो है वो चिपका के भी आप उसको काफ़ी डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैंने तो ये बस इंस्टेंट में बनाया है, बट ये भी बहुत अच्छा लुक भी देता है, एंड गिफ्ट जो है वो देने वाले की भावना देखता है, ना कि कितना महंगा है या कितना छोटा है बड़ा है। तो ये जो है ये फटाफट से बना हुआ, एंड उसके अंदर जो वर्ड्स है जो लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, रादर देन आपका गिफ्ट कितना डेकोरेटिव है या फिर कितना महंगा है, तो उससे भी अच्छा। ये देखिए मैंने फाइनली टाई कर लिया है, ये बन गया हमारा बहुत अच्छा सा गिफ्ट, मेमोरी जार बोल सकते हैं या फिर जो आप इसको नाम देना चाहो, बकेट लिस्ट भी बहुत लोग बोलते हैं, या फिर लव बॉटल भी बोलते हैं, तो मेरे लिए तो ये लव बॉटल ही है, लव जार है जिसमें मैंने मेरा प्यार भर रखा है। एंड